शर्म नहीं आई तेरे को बिल्कुल भी? कैसे कर सकती तू मेरे साथ ऐसे? पागल है क्या भाई, मार क्यों रहा उसको तू? चलो। अरे यार मेरे को कुछ करना है, डाइवर्स चाहिए मेरे को, तू जा यहां से। डाइवर्स क्यों? तू पहले बता, हाथ नहीं उठाएगा उसके बाद आजकल? तुमने शादी कर ली है जब? आज हम करने वाले हैं निक की वाइफ को एक्सपोज। इन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज करा था, तो ये आप बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम जो भी आपका था। यार मैं इनकी वीडियोस देखता था तो मेरे को इनकी वीडियोस अच्छी लगती है, पर मेरे साथ अभी एक बहुत बहुत ही बुरा समय चल रहा है मेरे लिए, क्योंकि जिसके लिए मैंने इतना कुछ करा वो मेरे को धोखा दे रही है। क्योंकि ना मैं यहाँ पे आया था इंजीनियरिंग करने, और मैं लाइक स्टूडेंट हूँ, अभी मेरा लास्ट ईयर चल रहा है इंजीनियरिंग का, और मेरे को एक लड़की मिली, उसकी वो मतलब बहुत गरीब थी और वो गांव से आई थी दूर से, पर उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा मन में हुआ कि इतना गरीब है और इसके लिए मैं कुछ करूँ, ये मैं सोचा, तो मैं उसके साथ रहा, मैंने उसकी बहुत हेल्प भी करी। तो आप उसको अच्छे से जान चुके थे या? हाँ, मतलब मैं उसके साथ रहा, मैंने उसकी बहुत हेल्प करी, क्योंकि वो बहुत परेशान थी और अकेली थी और वो गांव से होके आई थी, इतनी दूर से भाग के आई थी अपने घर वाले से। भाग के आई थी? हाँ भाग के आई थी। अच्छा, तो मैंने उसके लिए करा, फिर हमारा धीरे धीरे अच्छा भी हुआ सब, फिर मैंने उससे शादी भी कर ली ताकि हमारा सब सही रहे। अब मैं उसके लिए सुबह मैं जाता भी हूँ इंजीनियरिंग करने, मतलब अपना कोर्स पूरा पढ़ाई अच्छे से करता हूँ, फिर शाम को मैं उसके लिए नाइट शिफ्ट करता हूँ जॉब। अब उसके बाद भी वो मेरे को धोखा दे रही है। वो धोखा वो आपको आपने बताया, आपके जो भाई कजिन है उनके साथ मिलते हैं ना? बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं समझ सकती हूँ। मेरा ताऊ का लड़का है, वो मेरे साथ ही रहता है, क्योंकि मैं भी बाहर से ही आया हुआ हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ने तो एक ही रूम पे रहते हैं, तो वही मैं रात में जाता हूँ, वो दोनों कुछ पता नहीं क्या करते हैं। मेरे को पता लगा, मैंने उनका चैट्स पढ़ा, कॉल देखा, और उनके नोटिस भी करे मैंने कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये तो अक्सर बहुत से आजकल ऐसे केस बहुत होते हैं, और ये तो कॉमन ही हो गया एक तरीके से, पर ये बहुत गलत है यार। क्योंकि आपने जैसा बताया कि आप पहले कॉलेज जाते हो, देन नाइट शिफ्ट करते हो, सोने का भी टाइम मुश्किल से ही मिलता है आपको, और अब फैमिली को छोड़ के आप उसके लिए इतना कुछ कर रहे हो, देन वो आपके साथ ऐसा करी, तो बहुत गलत चीज़ है। तो इसीलिए आज इन्होंने फैसला करा कि वो उनसे डाइवोर्स लेने वाले हैं। तो गाइज इन्होंने कॉल आपने कर लिया है ना, वो आने वाली है, कॉल करके तो वो 5 मिनट में आने वाली है, तो मैं यहाँ से जाती हूँ, तो वो आती ही होगी, है ना? तो आप यहाँ बैठ जाओ, उसका वेट कर लो, इतने में वो आएगी। तो और जो आपके भाई हैं उनको 10 मिनट बाद वो बोला हुआ है ना अपने आने के लिए? हाँ, मैंने उसको बोल दिया है। हाँ ठीक है, ठीक है, इसी जगह पे बता देना उन्हें अगर आपने नहीं बोला। ठीक है, ठीक है, ओके। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आ गए आप? हाँ बैठो बैठो। क्या हो गया तुम्हें आपके लिए बैठे हो? अरे वो तो कोई नहीं, आप बताओ कि कैसा रहा आपका घर, होगा आपकी मम्मी की तबीयत ठीक है? हाँ मम्मी की तबीयत ठीक है, उनको कुछ मतलब ऐसे थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है मम्मी। अच्छा सही है, और घर में सब सही, पापा वापा सब बढ़िया? सब सही है। तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, घर पे बोर हो रहा था और आज मेरा जॉब भी नहीं था। अच्छा। तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ था और इसलिए सोचा मैं तुमको यहाँ बुला लूँ। हेलो निक, कैसे हो आप? मैं तो ठीक ही हूँ। हेलो ये क्या कर रही है यहाँ पे? ये वही है ना तुम्हारी जो एक्स वाइफ है? एक्स वाइफ मतलब क्या है तुम्हारा? ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। ये मैं कौन हूँ? शादी करने वाले हैं और तुम कुछ भी नहीं हो मेरे। ये कौन है? आपने कोई डाइवोर्स नहीं दिया अभी तक? नहीं, आज मैंने इसलिए बुलाया इसको ताकि मैं इसको डाइवोर्स दे सकूं। आज तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम मैं सोचो मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ? नहीं ऐसा क्यों, तुम बोल क्यों रहे हो? जब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो फिर इससे क्या है, क्या मतलब है? मतलब ये रहने दो, तुम मेरे को सब पता है, तुम खुद सोचो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्या मेरे को तुम्हारी सब बोल क्यों रहे हो? तुम्हें क्या हुआ क्या ये बताओ पहले। मेरे को कुछ नहीं हुआ। तुम्हें कोई कुछ बोलेगा तुम पहले मेरे को ये बताओ तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हो? क्या करती हूँ मैं? अच्छा कुछ नहीं करते? क्या कर रही हूँ मैं? कुछ नहीं करते तुम? मैं कुछ नहीं कर रही। रहने दो तुम। निक ने मुझे मैंने आज तुम्हें डिवोर्स देने के लिए बोला। तुम कैसी लड़की हो? हाँ, मैंने इसको सब शेयर करा हुआ है। तुम डिजर्व नहीं करती हो, बता। सुनो एक बात बताओ, पहली बात तो तुम्हें कुछ पता है हमारे बारे में? मुझे सब पता है, निक ने मुझे सब बताया। तो मतलब क्या तुम ऐसे कैसे, मतलब क्या है तुम्हें जो तुम ऐसे बोल रहे हो? तो वो अच्छा? सही तो कर रहा है। तुमको नहीं पता? तुम्हारा तुमको नहीं पता? तुम ऐसे ना जताओ कि तुमको कुछ पता नहीं है। मेरा किसके साथ अफेयर चल रहा है? तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हें नहीं पता? वो कहाँ है? वो आई नहीं आपके घर? नहीं वो आ रहा है। आ रहा है कौन? आ रहा है, तुम देखना कौन आ रहा है। तुम्हें
मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कर क्या रहे हो। तुम्हारा मतलब क्या बनता है किसी से बात करने के? कौन मतलब आ रहा? क्या बनता है? आने दो ना। क्यों नहीं बनता? जाओ आने दो, वेट हाँ, कर लो, वेट करो। और भाई आजा आजा, कैसा है? ठीक है। भाभी क्या कर रही है? भाभी क्या कर रही है, तू ही बता क्या कर रही है। रोज तो मिलती है ना तुझसे? नहीं, मेरे से क्यों मिलती है भैया? अरे रहने दे रहने दे, मेरे को पता है कि इन दोस्तों के साथ गया था तू घूमने। नहीं भैया, दोस्तों एक तो यही थी ना दोस्त। मैं मम्मी के यहाँ गई थी, तुम्हें खुद भी पता है, तुमसे बोल के गई थी। अच्छा अच्छा, ये क्या? अच्छा, मैं तो पागल हूँ ना, मैं मेरे को तो कुछ पता ही नहीं रहा था। तुम तो मेरे को पागल बनाती रहोगी, मैं बनता रहूंगा। तू चुप रह, मैं अभी तुझसे बात नहीं कर रहा। अब बताओ क्या? मैं मम्मी के यहाँ गई थी। अरे सब सच बताओ, मेरे को सब पता है, इसलिए मैंने तुमको आज सामने बुलाया है। मैं इनसे पहली बार मैंने क्या बोल के गई थी? मम्मी के यहाँ गई हूँ मैं, और मैं मम्मी के यहाँ गई थी, मम्मी की तबीयत खराब थी। अच्छा, मम्मी क्या गई थी? हाँ, आप कहाँ गए थे? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गया था। अच्छा। मैं अभी भैया ने कॉल किया। दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों झूठ बोल रहे हैं। आपने इनकी स्क्रीनशॉट्स ले ली थी ना चैट्स के? इनके चैट्स भी है मेरे पास, और मेरे पास कॉल भी है इनके। और मेरे को ये भी पता है कि मैंने अपने दोस्त को बोला था इन पे नजर रखना, उन्होंने मेरे को वैसे भी बताया। ये देखो, ये क्या है? शिमला में। ये देखो क्या है, बहुत अच्छे से घूमे क्या ये? जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है भैया। अरे रहने दो, में थे, उन्होंने तुम्हें देख लिया था। तुम्हारी तो बाद में बात करूंगा, पर तुम बताओ तुमने ऐसा क्यों करा यार? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ करा यार, मैं रात रात भर सोता नहीं हूँ, सुबह पढ़ने जाता हूँ और रात में जॉब जाता हूँ, और तुम ऐसा करते हो। तुमने ऐसा क्यों करा यार मेरे साथ? मतलब इतना बुरा दिल कैसे हो सकता है तुम्हारा, जो तुमने मेरे साथ ऐसा करा यार? तुम मेरे साथ नहीं रहते, ठीक है? पूरे दिन तुम अपना ऑफिस जाते हो, फिर कॉलेज चले जाते हो। यार मैं कोई भी नहीं होता घर में, मैं अकेले क्या करूँगी घर में? यार तुम एक बात सोचो, वो बंदा तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है, नाइट शिफ्ट कर रहा है, वो सोता तक नहीं है, कॉलेज भी कर रहा है। यार एक बात, वो सब उनका मतलब वैसी लाइफ है ना, तो यार मतलब मेरा भी कुछ है, मेरा भी तो उन्होंने तुम्हारे लिए किसी की जरूरत होती है यार। तुम यहाँ पे अकेली थी, उन्होंने तुमसे शादी करी, शादी करी थी। पहली बात वो 22 years के हैं, वो कोई ज्यादा बड़ी एज नहीं होती 22 years, ठीक है? हाँ। उन्होंने इस एज में तुमसे शादी करी ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। वो लड़के जो तुम्हें छेड़ते थे कॉलेज में, इन्होंने बताया था मुझे। हाँ। ठीक है, ताकि कोई यार मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया, जिसने तुम्हारे बारे में गलत बोला मैंने उसको भी गलत बोला। और तुम्हारा सुनो, देखो अगर एक बात बताओ, कोई नहीं रहता यार मेरे साथ पूरे दिन, मैं अकेले क्या करूंगी घर में? मुझे भी तो कोई चाहिए, मेरी तबीयत खराब होती है, वो हमेशा ध्यान रखता है मेरे साथ, वो हमेशा रहता है। तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं देते यार। मैं काम किस लिए कर रहा हूँ तुम ये बताओ? मैं काम किस लिए कर रहा हूँ? हम काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम दोनों खा पाए और हमारा अच्छा हो पाए, आगे हमारी लाइफ सेटल हो पाए, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। वरना मेरा भी कोई मन नहीं करता कि मैं रात में जाऊँ, परेशान हूँ और इतना अपने आप को थकाऊँ और इतना वो करूँ। यार मेरा पूरा शेड्यूल खराब है, मेरे को इतना पढ़ना भी पड़ता है, काम भी करना। यार मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा था और तुम ऐसा कर रहे हो मेरे साथ। और तू भाई, तेरे पे इतना भरोसा करता हूँ, तेरे को इतना मानता हूँ, जो तूने बोला हमेशा किया तेरे लिए, और तू क्या कर रहा है? तूने बोला कि भैया यहाँ पे आ रहा हूँ, रुका लो मेरे को अपने साथ, मैंने रुकाया अभी तेरे को, और तू ये क्या कर रहा है? इसलिए बोला आया था क्या तू यहाँ पे, ये सब करेगा? हाँ मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था भैया, बिल्कुल सॉरी, कुछ नहीं, मेरे को डिवोर्स चाहिए। और ये सब डिवोर्स क्यों ले रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, और पागल नहीं बनना मेरे को बहुत। मैंने यार अब बात नहीं करूंगी ना मैं। नहीं भैया, मैं भी माफी मांगता हूं, कुछ नहीं होगा आगे से भी ऐसा। नहीं नहीं नहीं, आप डाइवोर्स क्यों ले रहे हो? बट रहने दो, तुमने शादी भी कर ली है तो तुम पागल हो बना रहे हो क्या इसका? शादी? हाँ शादी, तुम्हारी शादी की फोटोज भी उसके फ्रेंड ने सेंड कर दी थी। अरे मुझसे कुछ नहीं छुपा हुआ था, अभी मैं तुमसे बोल रहा हूँ, सब साफ साफ बताओ मेरे को। और ये फोन इधर दो अपना, उसको छोड़ के वो टाइम नहीं दे रहा है तो उससे। यार वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम उससे बात करो, तुम उससे ये देखो अभी भी इससे थोड़ी देर पहले बात हो रखी है। बात करने का इन्हें कोई टाइम मिलता है? मतलब यार ये हमेशा बिजी रहता है, बहुत गलत बात है। कोई बंदा दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है और तुम उसके बाद किसी और उसके उसी के भाई से शादी कर रहे हो। भैया देखो, सॉरी से क्या होगा यार, मेरा कुछ नहीं होगा सॉरी से। हमारी शादी हो गई है, अब कोई दिक्कत भैया सुनो, जो हुआ अब आपको पता है, आप बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते थे इसको, बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते थे, बट मैंने उसका ख्याल रखा, हमारे बीच में इतना अच्छा रिश्ता आज के डेट में बन चुका है।
वो बंदा जॉब कर रहा है जो यार यश तू भी जानता है कि मैंने इसके लिए क्या करा। भैया वो बात आपकी ठीक है बट हमको आपको पहले बताना चाहिए था यार तेरे को इसके साथ मतलब इसका मैं मानता हूँ पर तेरे को शर्म नहीं आई कि तू अपने बड़े भाई के साथ ऐसा करेगा? तेरे को बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आया दिल में नहीं आया कि उनके साथ क्या बीतेगा क्या होगा? भैया मैं आपको पहले बोलता था कि उसके लिए टाइम निकालो बट आप ही मेरे को बोलते थे मैं जो करूँ उसके लिए करूँ, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या कर रहे हो उसके लिए? नौकरी जरूरी है पढ़ाई जरूरी है टाइम भी तो उसके लिए जरूरी है ना। सुन मैं तेरे को क्या बताऊँ यार तू मेरे को अब गुस्सा मत दिला, मैं टाइम क्यों नहीं है मेरे पास उसके लिए करना चाहता हूँ इसलिए टाइम नहीं है ना। जॉब करते हो वो पढ़ाई भी करते यार मैंने इसके लिए इतना करा ये इतना परेशान थी इसको मैंने इतना सहारा दिया और इसको हेल्प करा इतना ध्यान रखा शादी भी किया इसके लिए कि ठीक रहे और कोई इसको मतलब परेशानी ना हो घर वालों से फिर भी ऐसा कर रही है इसको भी शर्म आनी चाहिए यार। सामने कैमरा है सॉरी से क्या होगा देखो सामने हाँ जी तुम्हारी जो करतूत है वो सबके सामने आ चुकी है इसलिए यार ये क्या करवा रहे भाई तू भाई क्या करा रहा है अब तो पता लगेगा मेरे को क्या होगा करेगा ये सब। अरे तू देखता रह तू क्या सॉरी से कुछ नहीं होगा यार अब ठीक है मैं सब खत्म कर रही हूँ अब हम साथ में रह सकते हैं अब मैं कुछ नहीं करूंगी वैसा प्लीज यार मेरे को नहीं रहना तेरे साथ हाथ जोड़ रहा हूँ वो बातें खत्म कर बढ़ गई हूँ बहुत गलत चीज है यार तो हम खत्म कर पता चल रही है ना कि आज की डेट में रिश्ते लोग कैसे निभाते हैं क्यों खत्म कर रहे हो शादी करिए अब साथ में रहो मेरे को नहीं रहना तुम्हारे साथ जाओ उसके साथ खड़े हो उसके साथ खड़े हो अरे इतना दूर क्यों खड़े हो पास में खड़े हो ना वैसे तो बहुत चिपक चिपक के घूमते हो अब इतना शर्मा क्यों रहे हो मेरे बीच में मैं नहीं कर सकता शादी कर ली तुमने यार मेरे को बस शादी के बाद हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको आगे प्रॉब्लम होने वाले अगर आप अब भी चाहते हो उसके साथ रहना तो मैं बात कर रहे हो उसमें तुम्हारी मैं हंसू यहाँ पे एक बार शक्ल देखियो मैं हंसू किसको पागल बना रहे हो ऐसी शादी कर ली कुछ तो हुआ ही नहीं बीच में रहने दो बच्चा नहीं हूँ मैं दूसरी क्लास का ना जो तुम पागल बनाते रहोगे मेरे को हमेशा तुम्हारे साथ तुम दोनों अगर तुम दोनों खुश थे ना तुम टाइम दे रहे थे ना पूरा कोई बात नहीं तुम इसे पूरा टाइम दो यार वो हाँ। सुनो 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 देखो मैं इसके साथ नहीं रहा तू रहा तेरे साथ ये खुश है तू इसके साथ खुश है मैं नहीं हूँ उसके साथ खुश मेरे को नहीं रहना इसके साथ बहुत एक्टिंग हो गई छोड़ो कोई दिक्कत नहीं जो हो गया छोड़ तू मेरे साथ खुश है ना बात खत्म है तुमने निक के साथ बहुत गलत करा बहुत ज्यादा गलत वो बंदा दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहा था और तुम अभी भी तुम ऐसे मेरे साथ जो करा उसके साथ मत करना प्लीज यही बोलूंगा और भाई ध्यान से रहियो भैया मेरे को हो सके तो माफ कर देना मगर मेरा कभी भी ऐसा कुछ नहीं था आपके दिल पे ठेस पहुँचाना मगर उसके साथ मेरा मैंने इतना कुछ फील किया कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ और उसकी खुशी में मेरी खुशी थी मैं आपको भी खुश देखना चाहता आपके पास टाइम नहीं था उसको टाइम दे रहा था अपना सुनिए एक बार है ना मेरी जगह पे खुद को खड़ा करियो फिर ही समझेगा तो कुछ नहीं समझेगा तो छोड़ मेरे से बातें मत करिए भाई ना मत कर यार मत कर क्या करते आप खुद भी सोच सकते हो यार मगर मैं अगर आपकी जगह होता मैं समझ सकता हूं यार भाई मेरी 22 एज है मैं 28 इयर्स का नहीं हूँ मेरी 22 एज है मैं 22 का ही हूँ खाली मेरी लाइफ अभी सेट नहीं हुई है मेरे को अपने करियर पे बहुत कुछ करना है अपने करियर पे लात मार के मैं इसके लिए सब कर रहा हूँ समझ रहे तू? अच्छा पहली बात तो ये कौन है मैंने ये मैं उनकी फ्रेंड हूँ हाँ ओके तुम्हारी सच्चाई सामने लानी थी उनको क्योंकि वो बंदा बहुत परेशान था बहुत ज़्यादा वो दिन रात मेहनत कर रहा था वो डिप्रेशन में जा रहा था उसने मुझे हर एक चीज़ बताई कि किस तरीके से तुम दोनों मिल के धोखा दे रहे हो उसे यार वो बंदा तुम खुद सोचो ना अपनी फैमिली से दूर रह के वो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा है तुम कह रहे हो कि वो टाइम नहीं दे रहा है यार वो टाइम नहीं दे पा रहे तो उसकी मजबूरी भी तो समझो ना जो बंदा कॉलेज कर रहा है उसके माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरा हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा तो वो अपने माँ बाप के सपने भी तो पूरे करेगा ना वो क्या अपनी पढ़ाई छोड़ के तुम्हारे साथ दिन भर घूमता है यार सॉरी से क्या होगा अच्छा फ्यूचर देना चाह रहा था वो तुम्हें पर आज के डेट में बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है यार 10-15 हज़ार की जॉब मिल जाती उसे क्या वो उतने में तुम्हारी ज़िंदगी कट जाती चल जाता ये भी उतना ही 10-15 हज़ार कमा रहे हैं वो घर पे रहते हैं इसलिए टाइम दे पा रहे हैं रात का पूरा टाइम दे पाते हैं क्योंकि वो अभी अपनी स्टडी नहीं कर रहे हैं बट वो स्टडी कर रहे हैं उनके माँ बाप के सपने हैं वो पूरे कर रहे हैं नाइट शिफ्ट वो जॉब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहे हैं वरना वो जॉब की जरूरत ही नहीं है मेरे को तुमसे ये उम्मीद नहीं थी यार
कि तुम मेरे पीठ पीछे झूठ बोल के हो, तुम्हें अपने साथ रख रहे यार, तुम पे इतना भरोसा करा, तुम ये बोलती थी यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, मैं कभी दूसरा सवाल भी नहीं करा कि तुम दोनों यार प्लीज यहाँ से चले जाओ, उस बंदे की लाइफ खराब मत करो, यार चले जाओ यहाँ से, मेरे को कुछ भी नहीं बोलना, पढ़ाई करने दो, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है नाइट शिफ्ट करने की, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने माँ बाप के सपने पूरे करो, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता यार, अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए होता, तो प्लीज तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, आप चाहते हो ये रुके आपकी लाइफ, नहीं नहीं यार तुम जाओ, सुन सुन भाई, रहने दे और तुम जाओ खुश रहो और जाओ यार, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है, मेरे को गुस्सा आएगा, जाओ यार, थैंक यू यार, कोई बात नहीं यार। तो गाइज आपने देख ही लिया होगा कि रिश्ते हैं आज की डेट में, रिश्ते मतलब भाई भाई नहीं है, वाइफ वाइफ नहीं है, सही में भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो जो भी है एक ये इससे आपको ये तो दिख ही गया होगा कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल ना करें। हाँ। वो निक ने अपनी पूरी मेहनत करी, अपनी अपना पूरा बेस्ट दिया है, रात भर वो जॉब कर रहा है बंदा, पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बाद भी लड़की सेटिस्फाई नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम होती तो बता सकती है, तो उसने उसके हाँ। बजाय दूसरे लड़के से बल्कि उनके खुद के भाई से अफेयर कर रहे हैं। सही में यार आपको भी मैं यही बोलूँगा, क्योंकि मेरे पे खुद बीती आप पे ना बीते, हमेशा आप पे अपने पे फोकस करो, मैं यही बोलूँगा, किसी के पीछे पागल मत हो, किसी पे भी प्यार ना करें, और फैमिली के अलावा कोई भी नहीं होता यार, आपने ये गलती आपकी है कि आपने फैमिली का नहीं सोचा, उस लड़की के लिए ज़्यादा सोचा, आप बुरे भी नहीं हो, आपका दिल बहुत बड़ा है कि आपने अपनी फैमिली से बढ़कर उस लड़की के लिए करा, पर लेकिन आगे से ध्यान रखना और अपनी फैमिली के सपने ज़रूर पूरे करना। थैंक यू यार, थैंक यू, उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप अच्छा करोगे आगे भी, और किसी की हेल्प सोच समझ के ना करना, क्योंकि शादी बहुत बड़ी बात होती है यार, ये आपकी कोई एज नहीं थी शादी करने की। सही में यार मैं बहुत परेशान था इसलिए आपके पास आया, शुक्रिया यार। ठीक है फिर आप जा सकते हो और अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली से मिल लेना जाके। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, बाय बाय। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझे गाइस, तो ये बहुत गलत चीज़ है कि हम सब कोई किसी के लिए इतना कुछ कर रहा है और उसके बाद तुम उसे धोखा दे रहे हो, तो गाइस ऐसा ना करें किसी के साथ, और वीडियो ज़रूर शेयर करें अगर पसंद आए तो। थैंक यू सो मच गाइस।